माय गॉड, ये तो सच में आईसीजी बन गया, इतना प्यारा। तो गाइस सुबह के 10 बज चुके हैं और स्नो यहाँ इतनी बढ़ चुकी है। कल असी इस जगह पे पैदल तुर रहे सीगे ते आज तो ये हाल देख लो। आ देखो बहुत ज़्यादा बर्फ पै चुकी है ते मैं मंजोत नू कहन लग्या कि भाई उठ जा, आप वापस भी जाना है। आई डोंट नो आप किवें वापस जाऊंगे गड्डी चला के, गड्डी भी पूरी बर्फ नाल भर चुकी है। हाँ जी फिर दोस्तों असं जा रहे हैं बर्फ के बिच हो के अपनी गड्डी लभन। साड़ी गड्डी कित्थे है? मैनू नहीं दिखी भाई। तैनू दिखी नहीं? मैनू भी नहीं दिख रही। आए तो कोल है, आ लाइट कोल है। चलो देखते हैं गड्डी का की हाल है। फिर दोस्तों साड़ी गड्डी आ रही जी तो बर्फ की पूरी पूरी एक दो तीन चार चादर पै चुकी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा, मैं दिखाता। ये तो जड़ी हैगी हैगी ऋषभ, वो कितों कड्डांगे ओए। ये देख ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਤ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਤੂੰ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਸਾਰੀ ਝਾੜ ਦਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਬਾਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਉਰੇ। ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਗਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਰੀ, ਹੀਟਰ ਲਾ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ ਲਾ ਲੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ। ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ, ਗਾੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ना 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 ना, गड्डी स्टार्ट करके खड़ी रहने दे। गड्डी अपनी स्टार्ट हो चुकी है ते इन्नी स्नो दे विच भी धोखा नहीं देके गई स्टार्ट होने च। ते हुण असी इहनू अद्धा कन्नी दी किन्नी स्नो है देख ही सकते हो मतलब गड्डी भी बड़ी औखी स्टार्ट हुई है साडी। ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बर्फ की ऊंचाइयों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। मैं गिर गया। ये बर्फ हटवाओ कि इंजन के नीचे घुसेगी और गाड़ी निकल पाएगी, इसलिए बोल रहा था टायर के बराबर से बर्फ निकालो, सीधी निकालो गाड़ी, सीधी निकालो। ओथे तक करनी पैनी सीधी चल दो एक बार, बाकी थोड़ा सा धक्का लगा देंगे निकल तो जाएगा। लाना पड़ा धक्का ही लाना पड़ा, धक्का लाना पड़ा या पिछले टायर से खड़ना पड़ा, पीछे धक्का लगाओ और ये बर्फ खत्म करो, ये ब्रेक पे लगी दे वाले तुम लोग। फिर ब्लॉग दा सानू साढ़े भरा मिल गए हरियाणे तो, ते हुण शायद गड्डी निकले यार। गड्डी तो हुण तो निकल जानी, फिर गड्डी अग्गे नू ले जांगे। मैं तो अग्गे नू ले जी, अगो जिथे तैनू रस्ता मिला उत्थे मोड़ के ले। स्टार्ट है जी, जा जोत। फिर की ना तुहाडा दीपक वीरे, थैंक यू यार तुसी खड़े साडे लई। ਵੱਡੀ ਸਨੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੋ ਬਾਈ
भाई आपका क्या नाम है जी? सत्यम। सत्यम भाई थैंक यू भाई। पिछे नू लेके जानी पैनी अपन, बैग ही ले जाएंगे। थैंक यू रे। ओके जी, जोत एथी बैक कर दे फिर। एथी बैक करके ला लो, मेरी गल सुन, जाने तक किनू है, एथी बैक करके दबा के ला दे। नहीं हो रही, चल अगे ला के आंदे। हाँ फिर जोत फाइनली गड्डी निकल गई। स्नो बहुत है, नारकंडा नारकंडा। फाइनली ऋषभ गड्डी गई है निकल, गड्डी भी निकल गई। जदों ना जोत इधर देख, मैं इन्होंने कहा, मैं कहा भाई गड्डी आया तो जानी नहीं, इधर धक्का मारो रेस दूंगा, गड्डी उधर निकल जूंगी। धक्का मारिया सारे उड़ीक, मैं थल्ले। मेरा मुंह है गया पुत्र इस कोलो। लाओ लाओ लाओ, निकल गई निकल गई निकल गई। ले जा जान दे जान। सीधा 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 भाई, ओ ओ भाई ब्रेक ना ला भाई, आप तो गिर गए थे। वो भाई गिर गया था। अरे भाई आराम से जाओ भाई, लोग आ जाओ भाई, तुहाडे वाली भी कटांदे हुण, टेंशन ना लो, सारियां गड्डियां कटानियां। जोत दो गड्डियां निकल चुकी है, एक रह गई। ये गड्डी वाले हां रात भर गड्डी में सोए क्यों? रात को दारू पी के बोल, हमें कमरे रहना चाहिए। आ गई चकदी चकदी। चल गई आए। हाँ जी दोस्तों, असं हम जा रहे हैं वापिस, बस बहुत है तुम देख सकते हो, बस हम वापसी की तैयारी। जे कि अभी अच्छे एक दिन होर रुक जाते तो फिर इतने चार दिन सू इतने रुकना पड़ना सर। तुम आप देख सकते हो कि स्नो फैल गिर रही है। गाइस यू कैन सी द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कैसा लग रहा है ऋषभ ड्राइव करते हुए इतने अच्छे वेदर में? वही तो हूँ मैं तुम्हें क्या दसा, मतलब जो तो बर्फ हैगी कच्ची है जे। आप लोगों ने इतनी हेल्प की ना लोगों की, इसलिए आप लोगों की गाड़ी नहीं फंसी। पता इतनी ज्यादा स्नो में बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ रहा है। जिन्होंने नहीं किया वो पीछे आप देख ही सकते हो उनकी हालत क्या हुई है। ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਰੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਚਆਰ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਸਦੀ ਵੀ ਨੀ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ ਸਨੋਅ ਚ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠਾ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਯਾਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦੇਖੋ ਲੋਕਲਸ ਕੋ ਇਨਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੋਂਗੀ हाँ जी फॉग में ड्राइव करते हुए कैसा लग रहा है अब स्नो तो ज्यादा बढ़िया लग रहा है स्नो से एकदम बाहर निकल के स्नो तो बढ़िया लग रहा है मेनू गाड़ी चलाने थे ओके बट गाड़ी नहीं चल रही सी नेचर गाड़ी तो चल रही है प्लीज ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਾੜੀ ਰੋਕ ਲਈ ਮੈਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਗੀ ਪਲੱਸ ਧੂਪ ਪਲੱਸ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਵੈਦਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਟ ਉਹ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਭ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਗੀ ਕਿਸੀ ਲੱਗੀ ਆਪਕੋ ਮੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇ ਬਣਾਈ ਥੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹਾਂਜੀ ਨਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਗੀ ਬਹੁਤ ਯਮੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਨਿਧੀ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣੇ ਇਤਨੀ ਯਮੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰੂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੇ ਦੇ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਓਕੇ ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੋਤ ਆਜੋ ਕੋਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਸ ਠੰਡ ਘਟੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੈਗੀ ਖਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੋ ਮੈਗੀ ਖਾ ਕੇ ਹਮ ਲੋਕ ਸਭ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਭੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਗੀ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਅਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਫ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਰੋ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਇਦਾਂ ਇਹ बदल किन्ने सोहने लग रहे मूर्ख बंदा हले भी मतलब की प्रॉपरली शिमले नहीं पहुंचे पूरे रस्ते सानू बारिश मिली ट्रैफिक मिलिया कई लोगों की गड्डिया भी कटाईया गड्डिया वाले नाल लड़े भी ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਰੁਟੀ ਖਾਊਂਗੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗੀ ਮੈਗੀ ਸ਼ੈਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੋ ਆਪ ਮਸ਼ੂਬਰਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੋਟ ਮਿੱਠੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ गाड़ी बिल्कुल नहीं निकल रही भाई आए कट लो एद ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ इतने भी पूरी गड्डिया फसिया हुई है शिमले एकदम बड़ी ज्यादा स्नोफॉल हुई है तो हूँ सड़क बिल्कुल छोटी जी है लोग उरे फसे हुए हैं सारे ना ना करते सवेर दिया 15 गड्डिया कढ़ा के आए नारकंडा तो इतों 3-4 गड्डिया हूँ कढ़ाई आ मैं हूँ पैदल तुर के आया कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो गए हाँ भी ऋषभ आ गए फिर मेरे गड्डिया कढ़ा के ले गए लोग धक्का ला के नहीं राजी सही अपना कम कट के भज गए लोग मैं गड्डी में धक्का ला रहा तीन बंदे गड्डी च बैठे मैं कहा तुम अंदर बह के की कर रहे हो बाहर आओ वो आपकी गड्डी धक्का ला के नहीं राजी Are you okay? Okay. इतना okay है देख लो। हाँ ये झाड़ के आओ बाहर इनको। यार इक्को तो पैगी है ना जो। और ये ना मोटी मोटी फ्लेक्स है। तो गाइस अब पहुंच गए हैं सोलन से आगे। ये है सोलन से कुमारट्टी को कनेक्ट करते हुए टनल।
ਟਨਲ ਕਰਕੇ ਸੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਅਬ 20 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ, ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼। सो गाइज अब हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे बारिश भी नहीं है, बस थोड़ी सी धुंध है। कैसा लग रहा है अपने शहर वापस आकर आपको? बहुत बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है जी? अभी हम पहुंच चुके हैं घर, 2:30 बज रहे हैं रात। हाँ सुबह के 2:30 बज चुके हैं और थक कितना चुके हैं, मतलब कि नालंदा से खरड़ तक का रास्ता वैसे सिर्फ 6 घंटे का है, आज हमें 14 घंटे लगे हैं पहुंचने में। 14 घंटे की ड्राइव थी, 1 घंटा खाने पीने में लगा हमें, ठीक है, तो 15 घंटे लगे हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। जे तुहानू साडा ब्लॉग वधिया लग्या तां लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो, सबसक्राइब कर दियो एंड बैल आइकन ते क्लिक कर दियो। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग 'च जल्दी।